कैमरे देखिए वो अपनी यात्रा करने लग रहे हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं उनकी यात्रा के लिए। और हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करती है कि उनकी बिजली काटेंगे, ये काटेंगे, सरकार ऐसा किसी तरीके का काम नहीं करती है। और स्वाभाविक है कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनको करनी चाहिए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हमारी साल भर तैयारी चलती रहती है और हमने तैयारी शुरू कर दी। देखिए सब स्वाभाविक है, जिताऊ कैंडिडेट को दिया जाता है और ये अभी विषय बहुत जल्दी है, अभी एक वर्ष का समय पड़ा हुआ है, उस समय क्या रणनीति बनेगी और रणनीति का खुलासा तो हमेशा लड़ाई के मैदान में किया जाता है, पहले थोड़ी करते हैं। हमारा आज उनके साथ पे गठबंधन है, अच्छा गठबंधन चल रहा है और दोनों मिलकर के सरकार को चला रहे हैं। मैंने कहा कि जो भी रणनीति होती है, युद्ध की रणनीति युद्ध के मैदान में बताई जाती है, उससे पहले 8 वर्षों के मोदी जी के कार्यकाल में कहीं पर भी इस तरीके का माहौल नहीं बना जिसे हम कह सके कि धर्म के नाम पर लड़ाई। और मैं तो याद करती हूँ जब हम लोग पढ़ा करते थे कॉलेज में तब अलीगढ़ हमेशा सुलगता रहता था, आज वो परिस्थितियाँ नहीं है। इसलिए ये विषय उनका कहना गलत है, वो यात्रा कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। सरकार बहुत मजबूत है इस समय, ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान मजबूत है और हिंदुस्तान की विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनी है। इसलिए ये कयास लगाना या उनका ये कहना, या तो उसके प्रमाण दें या फिर इस विषय को उन्हें बोलना बंद करना चाहिए। वो एक जिम्मेवार अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, उनको उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। देखिए हर पार्टी तो अपनी तैयारी पूरे अकेले के हिसाब से ही करती है, लेकिन समय के हिसाब से किसके साथ जाना और किसके साथ नहीं जाना ये तय किया जाता है। तो उसको ये मान करके चलना कि 24 में क्या होगा ये नहीं है, नहीं कोई संकेत नहीं। हम अच्छी सरकार चला रहे हैं और अच्छी सरकार चल रही है।